हाय एवरीवन, मैं हूँ जेसन रवि, सिनेमा और सत्य की आवाज़ और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिल्म क्रीड 3 का रिव्यू करने वाले हैं। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में माइकल बी जॉर्डन फिर से रिटर्न हुए हैं एज एडोनिस डोनिसन क्रीड। ये रॉकी फ्रेंचाइज का 9th इंस्टॉलमेंट है, लेकिन बाकी रॉकी मूवीज की तरह सिल्वेस्टर स्टैलोन इस वाले इंस्टॉलमेंट में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के वजह से नजर नहीं आएंगे। तो कहानी है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद क्रीड ने रिटायरमेंट ले लिया है। वो अपने फैमिली पर फोकस कर रहा होता है, लेकिन उसके लाइफ में एंट्री होती है उसके पुराने दोस्त एंडरसन डेमियन डेम यानी कि जोनाथन मेजर्स की। बचपन में वो भी एक बॉक्सिंग प्रोडिजी था, पर क्रीड को बचाने के चक्कर में उसको 18 साल की जेल हो जाती है। उसको लगता है कि हर चीज जो क्रीड के पास है वो सब वो भी डिजर्व करता है, और इसी वजह से दोनों के बीच फेस ऑफ हो जाता है। कैसे क्रीड ये मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलेगा, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी थिएटर्स में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है खुद माइकल बी जॉर्डन ने, और ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है। माइकल एनिमे देखने के बहुत बड़े फैन है, और एनिमे से इंस्पायर्ड फाइट सीक्वेंसेस आपको फिल्म में देखने भी मिलेंगे। इनफैक्ट फ्लैशबैक में यंग क्रीड के घर में आप नारुतो का पोस्टर भी देख सकते हो। फिल्म के सबसे बड़े नेगेटिव की बात करें तो वो होगा सिल्वेस्टर स्टैलोन का ना होना। ये फिल्म में क्रीड कुछ मोमेंट्स के थ्रू गुजरता है जहां आपको रॉकी की कमी महसूस होती है। उसके अलावा स्टोरी में कुछ नया नहीं देखते आप, वही क्लीशेस से भरी घिसी पिटी स्टोरी है जो आपने हजारों बार देखी होगी। काफी पेसिंग इश्यूज भी है। एंड की फाइट में हमें राउंड 1 और राउंड 2 के बाद डायरेक्टली राउंड 12 दिखाते हैं। हमें लगता है ये लास्ट वाली फाइट ज्यादा लंबी रख सकते थे और उसे और डिटेल और अच्छे से दिखा सकते थे। चलिए अब फिल्म के पॉजिटिव्स की बात करते हैं। माइकल जॉर्डन का डायरेक्टोरियल डेब्यू होने के बावजूद ये फिल्म टेक्निकली वेल मेड है। डेमियन और क्रीड की फ्रेंडशिप, दुश्मनी, उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री आपको एक्साइट कर देती है। डेमियन क्रीड को फिजिकली ही नहीं पर मेंटली भी चैलेंज करता है, और ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। दोनों कमाल के एक्टर्स है, खास करके जोनाथन मेजर्स, ये साल उनके लिए काफी अच्छा गया है। एंटमैन क्वांटमेनिया में भी उनका परफॉर्मेंस लाजवाब था। इनफैक्ट पूरे मूवी में सबसे अच्छी चीज वही थे। बाकी रॉकी और क्रीड फिल्म्स की तरह इस फिल्म में भी आपको बहुत अच्छी फाइट सीक्वेंसेस देखने मिलेगी। क्रीड और उसकी डॉटर की स्टोरीलाइन भी अच्छी है, बहुत हार्ट टचिंग है। क्रीड अमारा को भी बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहता है, क्या पता क्रीड 4 उसके बारे में हो। ओवरऑल माइकल बी जॉर्डन और जोनाथन मेजर्स ये फिल्म को एंगेजिंग बनाने में कामयाब होते हैं, और वीकेंड के लिए ये एक अच्छा डिसेंट वॉच है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या क्रीड 3 बेस्ट बॉक्सिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम है? वैसे इस फिल्म के कुछ बॉक्सिंग सीन्स इतने अच्छे हैं कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इनफैक्ट क्रीड 1 के कुछ बॉक्सिंग सीन्स हमें सबसे अच्छे लगते हैं, लेकिन ओवरऑल मूवी की बात करें तो क्रीड सीरीज की कोई भी फिल्म हमारे बेस्ट बॉक्सिंग फिल्म्स के लिस्ट में नहीं आती। आज भी रॉकी, क्लिंट ईस्टवुड की मिलियन डॉलर बेबी और स्कॉर्सेसी की रेजिंग बुल हमारे लिस्ट में टॉप पर है, लेकिन ये फिल्म वन टाइम वॉच जरूर है। सो वेल फ्रेंड्स, ये था क्रीड 3 फिल्म का रिव्यू आपके लिए। आपकी फेवरेट बॉक्सिंग फिल्म हमें कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाई तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और एनकरेज कीजिए। रिव्यू को माइकल बी जॉर्डन के फैन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।